हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम IDFC फर्स्ट बैंक का अकाउंट बंद करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे। आपके पास कोई सा भी अगर IDFC फर्स्ट बैंक का अकाउंट है, या वो 10K रेगुलर सेविंग अकाउंट है, या 25K रेगुलर सेविंग अकाउंट है, 10,000 रुपए मंथली वाला अकाउंट है, या 25,000 रुपए मंथली वाला अकाउंट है, और आप उसे बंद करना चाहते हो, तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा फॉर्म किस प्रकार से भरना है। अगर आपके नियरेस्ट आसपास कोई IDFC फर्स्ट बैंक का ब्रांच नहीं है, तो आप अपने अकाउंट को किस प्रकार से बंद करोगे बिना ब्रांच जाए, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कैसे प्रकार से देना है, कौन कौन सी एप्लीकेशन लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, तो सारी की सारी डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वैसे मैं आपको इस टॉपिक पर पहले ही एक वीडियो डिटेल में दे चुका हूं, लेकिन उस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मिस हो चुकी थी, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीटली शूट किया गया है और ये बिल्कुल डिटेल वीडियो है, थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो आप धैर्य के साथ वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। IDFC फर्स्ट बैंक का अकाउंट अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, 100% क्लोज हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि IDFC फर्स्ट बैंक में दो प्रकार के अकाउंट ज्यादा प्रचलित हैं, एक 10,000 रुपए मंथली रेगुलर सेविंग अकाउंट, एक 25,000 रुपए मंथली रेगुलर सेविंग अकाउंट। दोनों ही अकाउंट में आपको एक मंथली एवरेज बैलेंस बना करके रखना होता है, इसमें कोई अकाउंट जीरो बैलेंस नहीं होता है जनधन योजना के अकाउंट के अलावा। तो इन अकाउंट में आपको एक मंथली बेसिस पर बैलेंस बनाकर रखना होता है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका अकाउंट माइनस में हो जाता है। बहुत सारे लोग मैनेज नहीं कर पाते अकाउंट को, या फिर वो किसी भी कारण से अकाउंट को बंद कराना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको अकाउंट क्लोज कराने से पहले कुछ बातों का ध्यान देना है। RBI के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार जब अकाउंट आप किसी बैंक में बंद करा रहे हो, तो आपके अकाउंट में किसी प्रकार का बैलेंस नहीं होना चाहिए, ना ही माइनस में और ना ही प्लस में। अगर बैलेंस प्लस में होगा तो बैंक उसको आपके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, लेकिन अगर बैलेंस माइनस में है तो उस स्थिति में आपका अकाउंट क्लोज नहीं होता है। तो अगर आपके अकाउंट में माइनस में बैलेंस है, तो पहले आपको उस बैलेंस को पूरा करना होगा। तो आप दो प्रकार से अपने माइनस बैलेंस अकाउंट को भर सकते हो। नंबर एक कि आप खुद उसमें अपने पैसे को डाल सकते हो और आपका जो पैसा है उसमें जुड़ जाएगा, तो आपका अकाउंट प्लस में हो जाएगा। जितना बैलेंस आपका माइनस में होगा, उतना बैलेंस आप अपने अकाउंट में डाल सकते हो। दोस्तों, अगर आप अपने अकाउंट में फ्री में अपने माइनस बैलेंस को हटवाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको IDFC फर्स्ट बैंक के ग्राहक सेवा अधिकारी से बात करनी होगी, इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना होगा। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप इस बैलेंस को रिमूव करा सकते हो। ये कॉल रिकॉर्डिंग में आपको सुना देता हूं, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक के अधिकारी ने खुद मेरे से बोला है कि हाँ, हम IDFC फर्स्ट बैंक पे कॉल करने पर अपने ग्राहकों के जो है माइनस में बैलेंस होने पर उनका बैलेंस रिमूव कर देते हैं। आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। माइनस बैलेंस अगर हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस है, अगर कोई माइनस होता है तो हम कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करके हमें चेक करवाना होता है, हम यहाँ से जो है समाधान करते हैं। बट अगर वो बैंक वेव्ड ऑफ करती है तो वो एक्सेप्शनल बेसिस पे जो है हम हटा देते हैं अकाउंट से। मतलब हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे तो हट सकता है यहाँ से? तो नंबर एक तो आपको ध्यान देना है कि आपके अकाउंट में किसी प्रकार का माइनस बैलेंस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको बैंक को एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि आप अकाउंट को किस लिए बंद करा रहे हो। आपको एक कारण बताना पड़ेगा, एक रीजन देना पड़ेगा। तो ब्रांच मैनेजर को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन आप सिंपल अपने A4 साइज के किसी पेपर पेज पर लिख सकते हो। आप एप्लीकेशन का फॉर्मेट आप इस प्रकार से लिख सकते हो। सबसे पहले आप डाल दीजिएगा, श्रीमान ब्रांच मैनेजर महोदय IDFC फर्स्ट बैंक, और जिस भी ब्रांच में आप अपनी एप्लीकेशन और अपने अकाउंट को क्लोज का रिक्वेस्ट दोगे, उस ब्रांच का नाम आप डाल दीजिएगा, एड्रेस डाल दीजिएगा। इसके बाद विषय डाल दीजिएगा। विषय में आप लिख दीजिए IDFC फर्स्ट बैंक अकाउंट बंद कराने हेतु। आप इंग्लिश में लिख रहे हैं एप्लीकेशन, तो आप वहां पर डाल सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक अकाउंट क्लोज रिगार्डिंग। इसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन में बिल्कुल डिटेल में बताना होगा कि आप अकाउंट किस लिए बंद कराना चाहते हैं। आपका जो भी रीजन है आप लिख सकते हैं। तो आप अपने अकाउंट को अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप लिख सकते हो, कुछ भी एक रीजन डाल दीजिएगा। आप जो भी रीजन डालना चाहते हो, आपको एक वहां पर रीजन देना होगा, क्योंकि बैंक में अकाउंट बंद कराने का एक रीजन मांगा जाता है। इसके साथ गाइस, आपको एक क्लोजर रिक्वेस्ट फॉर्म भरना पड़ेगा। क्लोजर रिक्वेस्ट फॉर्म आपको कैसे मिलेगा? तो हमारी वेबसाइट पर आपको अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वेबसाइट का, या आप सर्च करेंगे www.credittak.com, तो उस वेबसाइट पे आपको हमारी वेबसाइट है अकाउंट क्लोजर फॉर्म मिल जाएगा। उस क्लोजर फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप वेबसाइट से नहीं करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च करेंगे, तब भी आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम पर भी ये फॉर्म हम डाल देंगे। दोस्तों, इसके बाद आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरना पड़ेगा। अकाउंट क्लोजर फॉर्म इस प्रकार से रहेगा। ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है।
डाउनलोड करने के बाद किसी प्रिंटर से आपको इस फॉर्म को इस प्रकार से निकलवा लेना है। एक बात का आपको ध्यान देना है कि सारा का सारा फॉर्म आपको कैपिटल अक्षर में भरना है और एक एक डिब्बे में आपको एक एक स्पेलिंग लिखना है। अकाउंट में सबसे पहले आपको डेट डाल देनी है जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उस दिन की। इसके साथ यहाँ पर कस्टमर आईडी आपको डाल देनी है अपनी, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डाल देना है अपना। इसके बाद कस्टमर का नाम यानी अपना नाम पूरा डाल दीजिए जिसके नाम से अकाउंट है। इसके बाद पर्पस डालना है यानी अकाउंट आप क्लोज क्यों करवाना चाहते हैं, तो आप कुछ भी एक रीजन यहाँ पर डाल सकते हो। दोस्तों नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है अनदर बैंक डिटेल डालने का, तो यहाँ पर आप अपनी किसी दूसरी बैंक की डिटेल डाल सकते हो। जब आपका अकाउंट बंद होगा तो उस अकाउंट का बैलेंस है इस वाले अकाउंट में आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो इसमें आप अपनी सारी दूसरी बैंक की डिटेल को डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर आप अकाउंट नंबर डाल दीजिए, किस नाम से है वो अकाउंट वो डाल दीजिएगा, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये सब डाल दीजिएगा, सिटी, आईएफएससी कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप डाल दीजिए। दोस्तों इसके बाद नीचे ऑप्शन है सिग्नेचर का, तो आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा। दोस्तों इसके बाद आपको लास्ट में ऑप्शन मिलता है फॉर बैंक यूज ओनली, तो इस वाले कॉलम में आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। लास्ट में ऑप्शन मिलेगा आपको बैंक यूज ओनली, मतलब इस वाले कॉलम को बैंक भरेगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इतना सा काम आपको कर देना है और इसके बाद आप लोगों को ये फॉर्म, इसी साथ यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपने लिखी है ब्रांच मैनेजर के लिए वो वाली एप्लीकेशन, एक आपको आधार कार्ड की अपनी फोटो कॉपी, ये तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट आपको किसी भी नियरेस्ट ब्रांच तक पहुंचाने हैं। अब आपके पास अगर नियरेस्ट ब्रांच है आसपास कोई भी, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी ब्रांच तक इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट को तो आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में खुद जाकर के जमा कर दीजिए, सबसे बेटर ये रहेगा। और आपका अकाउंट यहाँ पर 100% बंद हो जाएगा, 3 दिन के अंदर आपका खाता बंद यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांच आपको ज्यादातर सिटी में देखने को मिलेंगे, कोई न्यू बैंक है तो अभी ब्रांच इनके डेवलप हो रहे हैं, फिलहाल अभी बहुत लिमिटेड सिटियों में इसके ब्रांच हैं। तो आपके पास अगर आसपास कहीं पे ब्रांच नहीं है, आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आपने अकाउंट को ऑनलाइन ओपन कर लिया है, गलती से कर लिया है या फिर जानबूझ कर लिया है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस सारे डॉक्यूमेंट को एक कोरियर में रखिएगा। इसके बाद कोरियर में आप लोग सिंपल सा अपने आधार कार्ड, इस वाले फॉर्म को, उस एप्लीकेशन को, तीनों डॉक्यूमेंट को रख करके और आप किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में भेज दीजिए। अब कोरियर आप इंडियन पोस्ट ऑफिस से भेजिएगा या फिर किसी प्राइवेट कोरियर से भेज दीजिए, कोरियर वहां पर पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों आप ब्रांच का एड्रेस कैसे निकालेंगे, तो ब्रांच का एड्रेस मैं आपको बता दूं कि आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हो जिस भी ब्रांच का आपको एड्रेस निकालना है, या फिर आप डायरेक्ट इतना लिखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नियर बाई ब्रांच, तो जो भी आपके आसपास ब्रांच होगी गूगल आपको खुद निकाल के दे देगा, उसका सारा सारा एड्रेस वहां पर रहेगा। दोस्तों कोरियर में आपको सबसे पहले 2 डाल देना है, 2 लिख करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मैनेजर, नीचे आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की उस ब्रांच का पूरा एड्रेस आपको गूगल मिल गया होगा। नीचे आपको लिख देना है फ्रॉम कोरियर के, अपने जो कोरियर आप भेज रहे हो इसके नीचे आपको फ्रॉम लिख करके और डाल देना है अपना नाम। और यहाँ पर इतना सारा काम करने के बाद आपको उस कोरियर को भेज देना है, 30-40 रुपए में कोरियर आपका पहुंच जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तक। दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कोई होम ब्रांच नहीं होता है, तो यहाँ पर कोई सा भी काम आप किसी ब्रांच में करा सकते हो। अब यहाँ पर आपने इतना काम कर लिया, आपका अकाउंट यहाँ पर 3 दिन बंद हो जाएगा। जिन लोगों को लग रहा है कि ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि आप अपने कोरियर के माध्यम से इस फॉर्म को भेज दीजिए आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, तो आप खुद ही कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। ये मुझे खुद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अधिकारी ने बताया है कि आपके पास अगर ब्रांच नहीं है आसपास, तो आप हमारे ब्रांच तक इस कोरियर के माध्यम से इस फॉर्म को और सारे डॉक्यूमेंट को पहुंचा दीजिए, आपका खाता बंद हो जाएगा। तो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। बताइए सर, किस प्रकार से हम सहायता कर सकते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा अकाउंट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, और अगर मुझे ये अकाउंट क्लोज करना है और नियरेस्ट अगर मेरे ब्रांच नहीं है, तो मैं कैसे क्लोज कर सकता हूँ उसको? नियरेस्ट ब्रांच नहीं है तो आप कैसे क्लोज कर सकते हैं? क्योंकि अकाउंट ओपन तो ऑनलाइन हो जाता है, आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन क्लोज कैसे करेंगे इसको, क्लोज करना है तो? जी सर, अगर आपके नियर बाय कोई लोकेशन में ब्रांच नहीं है, सो आपके पास जो केवाईसी डॉक्यूमेंट होते हैं आपका, आप एक बार केवाईसी डॉक्यूमेंट और क्लोजिंग फॉर्म जो रहता है वो एप्लीकेशन में या तो नेट बैंकिंग में या तो वेबसाइट पे जो है आपको मिल जाएगा, वो क्लोजिंग फॉर्म जो है अटैच करके आप एक बार ब्रांच को कुरियर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ब्रांच में कोई होम ब्रांच कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली आप कोई भी नजदीकी ब्रांच में जो है आप भेज सकते हैं। या अगर आप कुरियर करने के बाद कितने टाइम में खाता बंद हो जाता है? 24। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी की सारी जानकारी आपको इकट्ठा दे सकूं और इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि आपका खाता बंद हो जाएगा। फिर भी आपका कोई सवाल जवाब पे या फिर कोई दिक्कत आपको आ रही है, तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं तो आपका भी इतना फर्ज बनता ही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता हूं किसी नई वीडियो में, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जेड़े मोड़ उत्ते सी तू मोड़ की निशानी नी, जहर वर गायो सच्ची मोड़ लगे जाटों हूं।